गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस हालत में क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज है हेयर कलर डे। आज मैं करने वाली हूँ मेरी दीदी का हेयर कलर, मतलब आप लोग बोल सकते हैं हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। घर पर ही आप हेयर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक न्यू लुक कैसे अचीव कर सकते हैं वो आप इस वीडियो देखकर जान पाएंगे। सो ये जो हेयर कलर प्रोसेस है वो मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 150 रुपीस के अंदर आप अचीव कर सकते हैं ब्यूटीफुल हेयर कलर्स। हेयर हाइलाइट्स चाहे तो आप कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे हेयर्स को भी कलर कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, लेकिन आपको टेक्निक जानना जरूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्ट्रीक्स का अल्ट्रा लाइट हेयर कलर। ये कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है और आई थिंक ये हाईलाइट करने पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका जो कलर है, इसका है पर्पल टोपाज कलर। सो दिस पैक रिटेल्स फॉर रुपीज 160, लेकिन ये आपको 150 में भी मिल सकता है। दैट्स वाई इट इज वेरी अफोर्डेबल। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। By the way, this is not a sponsored video. हम लोगों ने खुद से परचेज किया है एंड देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस विद यू। सो ये सारे है क्रीम्स एंड ऑल, और इसके अंदर एक मैनुअल भी है, एक ग्लव्स है और ये है कंडीशनर, 2 पैकेट्स ऑफ कंडीशनर। एक एप्लीकेटर भी दिया है और ये एक मिक्सिंग टूल भी है। सो दैट्स ग्रेट, 150 रुपीज के अंदर आपको इतने सारे सब कुछ मिल रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में हैं, आपके पास ब्रशेस एंड ऑल कुछ भी नहीं है, आप जस्ट इस पैक को खरीद सकते हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो यहाँ पर है एक ब्लीच करने का, हेयर को ब्लीच करने का एक स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू कलर योर हेयर। ये है स्टेप 1 विच इज द ब्लॉन्डर। तो इस ब्लॉन्डर को आपको मिक्स करना है इस डेवलपर के साथ 1:2 रेशियो में, मतलब 1 रेशियो ऑफ ब्लॉन्डर एंड 2 रेशियो ऑफ दिस डेवलपर। ब्लॉन्डर पाउडर से क्या होता है, आपके हेयर का जो नेचुरल कलर है वो रिमूव हो जाता है, ताकि उसके बाद जो भी कलर आप अप्लाई करें वो ठीक से आपके हेयर पर अप्लाई हो, जो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। सो हम लोग ये ब्लीचिंग प्रोसेस और जो ब्लॉन्डर जो प्रोसेस है वो हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि इससे जो है ये हेयर का नेचुरल कलर ही चला जाता है, विच वी डोंट वॉन्ट इन द इनिशियल स्टेज। क्योंकि मेरे दीदी का जो हेयर है वो वर्जिन हेयर है, कभी भी कलर नहीं किया है। दैट्स वाई हम लोग ब्लॉन्डर स्टेप पर नहीं जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू सी कि हम लोग ब्लॉन्डर को स्किप करके सिर्फ क्रीम एंड डेवलपर को मिक्स करके कितना कलर आता है वो हम लोग देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। अगर हम लोग इस ब्लीचिंग प्रोसेस को स्किप करेंगे तो कितना कलर हम लोगों को मिलेगा ये भी तो देखना जरूरी है। सो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कीजिए, आपका हेयर क्लीन होना चाहिए, शैम्पू कर लीजिए उससे अगले वाले दिन ही एंड फिर आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करना। अगर आप ब्लॉन्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं देन फर्स्ट आपको मिक्स करना है ब्लॉन्डर और डेवलपर। जितना आप ब्लॉन्डर लेंगे उससे दुगना आपको डेवलपर मिक्स करना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर पर, तब आपको सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर ही इस प्रोसेस को खत्म करना है। उसके बाद आपको इस डेवलपर को और ब्लॉन्डर मिक्सचर को अपने हेयर पर 30 मिनट्स के लिए रख देना है। ऐसे ही, मतलब जैसे आप धूप में मत जाइए, आपको घर में ही रूम टेम्परेचर में ही उसे थोड़ा सा सुखाने के लिए रखना है 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लीजिए। सो दिस इज स्टेप 2 विच इज द कलर एंड क्रीम, एंड इसके साथ आपको डेवलपर को मिक्स करना है। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं जो ब्लॉन्डर प्रोसेस है उसको मैं स्किप कर रही हूँ। सो स्टेप 1 पूरा मैंने स्किप कर दिया। अभी मैं एक प्लास्टिक के बाउल लेकर उसमें मैंने क्रीम को मिक्स किया है एंड अभी मैं डेवलपर को मिक्स कर रही हूँ। पूरा जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, जितना क्रीम उतना ही डेवलपर आपको लेना है एंड इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। जो मिक्सिंग के लिए जो टूल दिया गया है उसी से आप मिक्स करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत ही हैंडी एंड यूज़र फ्रेंडली है वो टूल। एंड उससे हम लोगों ने अच्छे से मिक्स किया एंड जो कलर आया ना, बिल्कुल प्योर डार्क पर्पल कलर आया था आफ्टर मिक्सिंग इट।
अब जैसे कि हम लोगों ने ब्लॉन्डर प्रोसेस को स्किप किया है, सो जो कलर है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा, जो पैकेट में है उतना ज़्यादा कलर नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा हल्का कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स को ले रही हूँ, जिस तरीके से मैंने ऑल्टरनेट स्ट्रैंड्स को लिया है उसी तरीके से आपको हाईलाइट करना है। एंड फिर आपको किसी भी पेपर, मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल जो है वो मैं प्रेफर नहीं करती इस्तेमाल करना, तो आपके घर में अगर एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर को ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में कट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपको इस कलर को ब्रश से अप्लाई करना है पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पर, जिस जिस स्ट्रैंड्स को आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पर। एंड फिर मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। सॉरी थोड़ा सा ना फुटेज आउट फोकस हो गया है क्योंकि मैं सामने आ गई थी, दैट्स वाई। लेकिन आपके हाथों पर ग्लव्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये हाथों पर अगर लग गया तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हैंड पर कुछ इफ़ेक्ट भी हो सकता है, रैश भी हो सकता है, या फिर ये जो स्टेन है वो आसानी से नहीं निकलता। सो मेक श्योर आप ग्लव्स ज़रूर पहने। फिर आपको इसी तरीके से इसको मोड़ना है चारों ओर से, एंड फिर इसे एक क्लचर की मदद से आपको सिक्योर करना है। बालों के एंडिंग पर भी हम लोगों ने इस कलर को अप्लाई किया था और हाइलाइटिंग भी की थी इस तरीके से, और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आपको रखना है इसे एंड देन वॉश ऑफ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हल्का सा कलर हुआ है। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट क्योंकि कुछ भी अच्छे से नहीं नज़र आ रहा है, स्पेशली ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा थोड़ा बहुत तो आ रहा है नज़र, लेकिन आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हम लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है कलर तो नीचे कमेंट करके बताइए, लेकिन मेरे ख्याल से आप सबको ब्लॉन्डर प्रोसेस को करना ही पड़ेगा आई थिंक, नहीं तो बहुत ही हल्का कलर आता है। यू कैन सी कि ना के बराबर कलर आया है। सो आई एम वेरी मच डिससैटिस्फाइड क्योंकि फिर ब्लॉन्डर प्रोसेस को हमें करना ही पड़ेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप सबको पसंद आया है। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।